तो एक न्यूज़ और निकल कर आई है, आरबीआई की देसी क्रिप्टो करेंसी कैसी होगी, कैश किस तरह होगा काम, मोबाइल ऐप पर खरीद होगी, बिक्री होगी और भी क्या क्या इसके बारे में है, सभी के बारे में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले डैम श्योर कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं छोड़ते, सबसे पहले अपडेट देना का ट्राई करते हैं। एंड आई एम नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइजर, सो मेरे कहने पर कोई भी कॉइन वगैरह मत खरीदना, अपना भी दिमाग लगाइए, थोड़ा स्ट्रेटजी को सीखिए, मार्केट को देखना जानिए और न्यूजेस देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज जेडन, यू वाचिंग जेडन ऑक्सफोर्ड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे यहाँ पर पहला है, पहला पैराग्राफ का मीन बता दे रहा हूँ, जहाँ पर आरबीआई कह रहा है कि यहाँ पर यूपीआई की तरह काम होगा, मतलब जो भी क्रिप्टो करेंसी हमारी निकलने वाली है इंडियन की, जो आरबीआई रेगुलेट करेगी, वो एकदम ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम पे, जैसे आप सेंड करते हैं एकदम आसानी से आसानी, ताकि हर कोई उसे सेंड कर सके, हर कोई उसका लेन देन कर सके। ठीक है, पहली न्यूज़। इसके बाद में यहाँ पर है दूसरा जो पैराग्राफ है, उसका हम सीधा एक मीन बता देते हैं कैसा है, कि दुनिया में जैसे क्रिप्टो करेंसी की होड़ वगैरह लगी हुई है, तो भारत ने पहले सोचा था कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाए, इसमें रेगुलेशन नहीं लाए जाएंगे। बट अभी क्या हो रहा है कि भारत ने वापस, गवर्नर्स ने कहा है कि इसमें रेगुलेशंस लाएंगे, हम भी, भारत भी इसका फ़ायदा उठाएंगे, तो आरबीआई अपना कॉइन वगैरह लॉन्च करने वाला है। इसके बाद तीसरा जो पैराग्राफ है, इसमें पूरी तरह से बताया गया है कि आरबीआई देख रही है कि जहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता है वो एक्सचेंजेस के माध्यम से होता है और वो ब्लॉकचेन पर काम करती है। अब अलग से अगर मान लीजिए ब्लॉकचेन पर लगाएंगे, जैसे मान लीजिए बाइनेंस स्मार्ट चेन हो गया, एथेरियम हो गया, या बिटकॉइन ब्लॉकचेन हो गई, या ट्रॉन ब्लॉकचेन हो गया, या कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, अगर उनको करेंगे तो वो उनके अंडर में रहेगी। बट आरबीआई क्या कह रही है, नीचे आप देख सकते हैं, प्राइवेट ब्लॉकचेन पर जनरेट करेगा, इसे खरीदने बेचने के लिए ब्लॉकचेन होंगे जिसे रिजर्व बैंक रेगुलेट करेगा, जो आरबीआई है इसे ही रेगुलेट करेगी, वही कॉइन निकालेगी और उस पर जो भी बदलाव होंगे वो आरबीआई करने वाली है। इसके बाद में नीचे आ जाते हैं, डिजिटल करेंसी लाने पर विचार। यहाँ पर लिखा गया है कि इस साल फरवरी में आरबीआई गवर्नर शांतिकांत दास ने कहा था कि सेंट्रल बैंक अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का यह शुरुआती दौर है, यूपीआई की तरह ट्रांजैक्शंस हो गए। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया कि वापस फ़ायदा उठाना चाहते हैं भारत इसका, और प्राइवेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होगा, मतलब यूपीआई की तरह काम करेगा। और यहाँ पर बताया गया कि यह एक देसी क्रिप्टो करेंसी होगी, बट ये जो भी क्रिप्टो करेंसी होगी उनको टक्कर देने वाली क्रिप्टो करेंसी होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि देसी क्रिप्टो करेंसी अन्य क्रिप्टो करेंसी से अलग होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में उन सभी क्रिप्टो से मुकाबला किया जाएगा। एक चीज़ आपको और बता दूँ कि भारत में जो भी निवेश है, जो भी फॉरेन से निवेश आता है, हमेशा जब वो निवेश अपना निकाल लेते हैं, इन्वेस्टमेंट निकाले, तो भारत का मार्केट काफ़ी टूट जाता है। बट इस बार बहुत बड़े बड़े वेयर्स ने अपना मार्केट वहाँ से, भारत से निकाल लिया, उसके बाद में भी भारत की जीडीपी क्रिप्टो करेंसी के मामले में ऊपर रही है, भारत का मार्केट इस चीज़ में ऊपर है और लगातार स्टॉक मार्केट बढ़ता ही जा रहा है, ऊंचाइयों को छूता ही जा रहा है। इसके बाद में नीचे आ जाते हैं, रिजर्व बैंक का होगा कंट्रोल। यहाँ पर रिजर्व बैंक कह रहा है कि अगर क्रिप्टो करेंसी में उनका नियंत्रण सेंट्रल बैंक के पास नहीं होता क्रिप्टो करेंसी का, तो उसमें कोई भी गफला वगैरह हो जाता है, तो क्रिप्टो करेंसी के मामले में भारतीय सरकार कुछ भी नहीं कर सकती और अपराधी को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पर रिजर्व बैंक अपना पूरा कंट्रोल रखेगा, उसके बारे में एक नई कमेटी होगी, नई ब्रांच खोलेगा, और उसके बाद डिजिटल करेंसी को हरी झंडी दे दी जाएगी। सरकार की तैयारी क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो सरकार की तैयारी वाला पहला पैराग्राफ है, इसमें मेन चीज़ यह है कि इन्होंने कहा था कि पहले बैन करेंगे, उसके बाद में रेगुलेशन करेंगे, तो रेगुलेशन वाला अब चल रहा है, बैन वगैरह नहीं करने वाला। इसके बाद नीचे लिखा है, गैर बैंकीय वित्तीय कंपनियों से कहा कि क्रिप्टो करेंसी में लेन देन न करें, क्योंकि यह प्रतिबंधित है। जो भी गैर बैंकिंग वित्तीय समितियाँ हैं वो क्रिप्टो करेंसी में लेन देन नहीं कर सकती, उन पर कड़े कानून लगाए जाएंगे। इसके बाद नीचे पढ़ लेते हैं, यहाँ पर एक सर्कुलर और आया था, जारी हुआ था 6 अप्रैल 2018। उसके बाद में अभी न्यूज़ आई थी कि कुछ बैंकें वगैरह फ्रॉड वगैरह कर रही है, लोगों को धमका रही है, तो उसके बाद में एक नया बिल पारित हुआ था, उसके बाद में मैंने न्यूज़ दे दी थी। इसके बाद में नीचे पढ़ लेते हैं लास्ट पैराग्राफ, यहाँ पर नीचे वाला चीज़ देख सकते हैं कि अगर पूरा पैराग्राफ पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को अवैध नहीं माना है, मतलब इलीगल नहीं है, और इसके ट्रांजैक्शन में रेगुलेशन के नियमों को ध्यान रखने की सलाह दी है। मतलब यहाँ पर आतंकवादियों से जुड़े भी कुछ लेन देन होते थे जिन पर भारत सरकार नज़र नहीं रख पाती थी, कुछ लोग जो क्रिप्टो करेंसी के लिए मरते रहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में कॉइन वगैरह चाहते हैं, तो आतंकवादियों के जरिए कुछ ऐसे फंडिंग वगैरह होती थी, तो उनके जरिए आतंकवाद थोड़ा बढ़ वगैरह रहा था। तो अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में अपने रेगुलेशन कर देंगे, यह अवैध नहीं है, इसको सही रूप से रेगुलेट करने जरूरत है बस। तो ये थी क्रिप्टो करेंसी के बारे में न्यूज, आगे कोई भी न्यूज होती है तो हम आपके लिए लेके आ जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, गिव अवेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।